अजीज तलबा हमारे कोर्स कोड 682 का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्लासरूम प्लेसमेंट है कि हम अपने हेरिंग इंपेयर्ड बच्चों को क्लासरूम में किस तरह प्लेस करते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि हमें इस चीज़ से आगाही देगा कि क्लासरूम के अंदर बच्चों की पोजीशनिंग कैसे होगी हेरिंग डिसबिलिटी या हेयरिंग प्रॉब्लम के हिसाब से हेरिंग सेवेरिटी के हिसाब से बच्चों को किस तरीके से प्लेस करना है टीचर किस जगह पर मौजूद होना चाहिए लाइटिंग सोर्स कैसी होनी चाहिए और रूम की एकूस्टिकन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए ये तमाम चीज़ें और इससे मूल्हे का मजीद चंद पॉइंट्स देखने के लिए मैं इस वक्त एक आइडियल किस्म के क्लासरूम में बैठा हूँ जहाँ पर के ऐसे हेयरिंग एम्पेयर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है तो आइए मैं आपको इसके मतलक विजुअल्स और क्लिप्स दिखाता हूँ ताकि आपको इसके बारे में आगाही हो सके सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो यहाँ पर बच्चों की प्लेसमेंट है बच्चों को क्लास में किस तरतीब से बिठाया गया आपकी नज़रों के सामने एक इस वक़्त व्यू है जिसमें कि बच्चे सेमी सर्कुलर पोजीशन में आपको बैठे नज़र आते हैं ये हाफ़ ऑफ अ सर्कल या सेमी सर्कल जो है ये इसको इस फॉर्म में क्यों बनाया गया इस किस्म की प्लेसमेंट क्यों की जाती है इसकी भी एक खास ख़ास वजह है यहाँ पर इस क्रेसेंट फॉर्मेशन के प्लेसमेंट uh, के लिए जब बच्चों को मंतख किया जाता है उसके लिए भी कुछ सेट पैटर्न्स हैं तो उन चीज़ों को हम हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें आगाही हो सके कि क्रैसेंट फॉर्मेशन फॉर अयरिंग एम्पेयर चाइल्ड इज़ अ बेटर पोजीशन टू टीच देम सो आइए इस चीज़ को भी हम एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले जो हमें चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो यहाँ पर एक फर्नीचर की स्पेशल अरेंजमेंट है ये अगर आप इस टेबल को ग़ौर से देखें तो ये एक साइड से चौड़ा और दूसरी साइड से कम चौड़ा है इसकी ये चौड़ाई और इसकी ये बनावट हमें इस चीज़ की मदद देती है कि हम इसको सेमी सर्कुलर पोजीशन में अरेंज कर सकते हैं दूसरी चीज़ इसकी टेबल्स के साथ इसकी चेयर्स की हाइट चेयर की हाइट मुतनासब रखिए है यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैंने दो डिफरेंट हाइट्स वाली चेयर्स और टेबल्स भी रखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि बच्चे की पोजीशन के मुताबिक आपने फ़र्नीचर टेलर मेड करना है क्रैसन इसलिए रखी जाती है ताकि जो हमारे हेरिंग इम्पेयरड बच्चे हैं उनको हम पोजीशन कर सकें मिसाल के तौर पर जहाँ से क्रेसेंट स्टार्ट होता है या जिस जगह पर मैं आप खड़ा हूँ या क्रेसेंट का एक कोना यहाँ पर वो बच्चा बिठाएंगे हम जिसका कि हेयरिंग लॉस कम होगा हेयरिंग लॉस उससे ज़्यादा वाला बच्चा उसके साथ वाली चेयर पर और ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा यहाँ तक कि हम इस स, इस क्रेसेंट के सेंटर में पहुंच जाते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस वाले बच्चे बिठाएंगे। लिहाजा जब क्रेसेंट के स्टार्ट से स्टार्ट किया हमने तो वहाँ पर वो बच्चे थे जिनका हेयरिंग लॉस कम था मॉडरेट डिग्री का था सवियर डिग्री का था यहाँ तक कि हम सेंटर में पहुँचे तो प्रोफाउंड हेरिंग लॉस हो गया और फिर इसके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हेरिंग लॉस इंप्रूव करता चला जाएगा यहाँ तक कि वो कोने वाला बच्चा बेहतर हेरिंग के साथ होगा इसकी क्या वजह थी इसका क्या लॉजिक है द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल लॉजिक बहुत आसान है जो कोने वाली पोजिशन पर बच्चा बैठा है जिसका कि हेयरिंग लॉस कम है इसकी रेजिड्यूल हेयरिंग ज़्यादा है इसकी रेजिड्यूल हेरिंग ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी हेरिंग पे डिपेंडेंट है ये हेरिंग्स से का इस्तेमाल करता है इसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग इसको हेल्प कर देती है अपनी हेयरिंग को यूटिलाइज़ करने के लिए इसीलिए इसको हमने टीचर के बिल्कुल करीब बैठा दिया और ये वो बच्चा है जो अपनी ऑडिशन भी इस्तेमाल करता है लेकिन इसके बरक्स वो बच्चा जो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ टीचर के बिल्कुल सामने बैठा है वो अपनी विजुअल एबिलिटीज़ के साथ टीचर को लिप रीड करके और समझता है चंद चीज़ें और जो हमने जहन में रखनी है हेरिंग एड इज़ अ कंपल्सरी एलिमेंट हेयरिंग एड वो भी लगाएगा जो प्रोफाउंड हेरिंग लॉस के साथ है और ये बच्चा भी हेयरिंग एड लगाएगा हेरिंग एड के बारे में हम इन यूनिट नंबर सिक्स एड थ्री में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर ये जानने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हेरिंग की इफेक्टिविटी जो है वो इस किस्म की क्लासरूम अरेंजमेंट में मैनी फोल्ड हो जाती है कई गुना उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये हमारी प्लेसमेंट ही हेरिंग लॉसेस के मुताबिक है दूसरी जो चीज में आपको सिखाना चाहता हूं वो है एक्सेसिबिलिटी टीचर की एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट तक एक क्रेसेंट फॉर्मेशन एक ऐसी पोजीशन है जहां पर टीचर हर बच्चे को अप्रोच कर सकता है हमें जहनों में होगा कि किस तरीके से हम लोग क्लासरूम में बैठा किया करते थे एक के बच, पीछे एक एक के पीछे एक यहाँ तक के एक लंबी क्लास में हमारी चार पांच रोज में हम लोग बैठा करते थे लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बरअक्स है हमारे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते थे यहाँ पर हार्डली आपको बारह स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं बारह स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है लिहाजा टू टीचर स्टूडेंट रेशियो इज़ अनदर अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट वेन बी टॉक ऑफ द क्लासरूम प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक टीचर के साथ 12 स्टूडेंट इज़ अ गुड साइंटिफिक एक्सप्लेन वैल्यू फॉर इट सो आई वुड रिकमेंड और ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस भी है कि हेरिंग एम्पेयर बच्चों के साथ 12 से ज़्यादा रेशियो आप जैसे करते चले जाएंगे आपकी टीचिंग एफिकेसी उतनी कम से कम तर होती जाएगी और लर्निंग जो है बच्चे की मुतासर होगी एक और एलिमेंट जो मैं आपको एक्सेसिबिलिटी के मुतालिक बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्लासरूम में एक टीचर जितना इजीली मूव कर सकेगा उसकी अप्रोच बच्चों के उतने ही लिए बेहतर होगी मिसाल के तौर पर आप यू कैन सी के राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द क्लासरूम, और मैं इस बच्चे के करीब तर हूँ जो मेरे से सबसे ज़्यादा दूर था एंड इट हार्डली टुक मी लाइक वन एंड टू एंड थ्री स्टेप्स सिर्फ तीन कदम उठा के बच्चा मेरे से सबसे ज़्यादा दूर तक मैं उस तक पहुँच गया मैं अगर इस दायरे में किसी भी जानब दो क़दम बढ़ाऊँ या एक कदम बढ़ाऊँ तो उन दोनों सूरतों में मैं अपने हर बच्चे के करीब तर हो गया लिहाजा मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मैंने यह देखा कि मैं सिर्फ एक कदम उठा के अपने किसी भी बच्चे के साथ एक्सेस कर सकता था चाहे वो वीक बच्चा हो चाहे वो अच्छा बच्चा हो आई कैन सर्टनली हेल्प दैम आउट इन ऑल सेंसेस ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि मेरी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आई कैन सर्टेनली हेल्प देम ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द रेगुलर टाइम पीरियड यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आप लोग देख रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी रोशनी मेरी बाएँ जानब से मेरे मुँह पर पड़ रही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, अगर मैं यूं करके खड़ा होगा ये मेरा मुंह बच्चों की तरफ है तो आपको नजर आ रहा है कि रोशनी मेरे मुंह पर पड़ रही है ना कि मेरे पीछे से आ रही है लिहाजा लाइट सोर्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट व्हेन टीचिंग ए हेयरिंग एम्पेयर चाइल्ड क्योंकि हमारी क्लासरूम में ऐसे बच्चे भी मौजूद होते हैं जिनकी हेयरिंग पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होती बल्कि वो हमारी लिप रीडिंग का हमारे एक्सप्रेशन का बगौर मुताल कर रहे होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी रिसप्शन हमारी फेशियल uh, एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करती है सो so, ये क्लासरूम प्लेसमेंट में लाइट सोर्स का एक एलिमेंट आपको अपने सामने ज़रूर रखना है इन तमाम चीज़ों के अलावा जो चीज़ काबिल और ज़रूरी है जो एक्सप्लेन की जाए दैट इज़ दकूस्टिकवायरमेंट अकूस्टिकौती निज़ाम कैसा है इस कमरे में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि शायद दूसरों से दूसरी क्लासरूम से बहुत मुख्तलिफ हैं मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूर इस कमरे में मौजूद अकूस्टिक टाइल्स अकूस्तिक टाइल्स क्या हैं अकूस्तिक टाइल देखने के लिए आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा अगर कैमरे को जूम करें तो आप इस टाइल को कैप्चर कर सकते हैं या इस इस टाइल को आप आराम से कैप्चर कर लेंगे ये एक टाइल है प्लास्टर ऑफ़ पेरिस की ये टाइल है प्लास्टर ऑफ़ पैरिस से बनी हुई है और इसके अंदर ये छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं ये छोटे सुराख आवाज़ को कैच कर लेते हैं और रिवर्ब्रेशन या गूंज का एलिमेंट ख़त्म कर देते हैं गूंज का इस एलिमेंट का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हेरिंग एड के ऊपर क्योंकि हेरिंग एड इस इको की वजह से अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट करवा बैठती है लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे जिन्होंने हेरिंग एड लगाई हुई है उनको अच्छे से अच्छा अकूस्टिक इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि उनकी हेयरिंग एड की जो कैपेसिटी है या जो उसका पोटेंशल है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म करे और अच्छी से अच्छी रिजल्ट दे लिहाजा ये अकूस्टिक टाइल इज़ वन सोर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिड्यूस द रिवर्बेशन इन द क्लासरूम और उसके नतीजे में ऑडिटरी एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हैं दोपी। 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 जो दूसरी चीज मैं आपको इस कमरे में जरूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो यहाँ का कूलिंग एनवायरनमेंट है कूलिंग एनवायरनमेंट से मुराद इस कमरे का टम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम लगाए हुए है। और हैं और सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम सिर्फ़ इसलिए लगाए गए हैं ताकि पंखों से पैदा होने वाला शोर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है बच्चे के लिए और वो उसके लिए अकूस्टिक एनवायरनमेंट को ख़राब करता है लिहाजा हम उन पंखों का इस्तेमाल करने के बजाय एक ऐसा रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए जो को बच्चे को अकूस्टिकली डिस्टर्ब ना करें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कमरे में मौजूद होगी वो है डबल ग्लेजिंग ऑफ द विंडोज़। जैसे आपको मैंने ऑडिटरी ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि बाहर से आने वाली आवाज़ें वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरअाज़ होती हैं हमारे ऑडिटरी एक्सपीरियंस में तो अगर हम ज़रा सा मेहनत कर लें और ज़रा सा इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं वो भी कम से कम आए और जो अंदर इको होना है वो भी कम से कम हो तो उसके नतीजे में हमारी एकवायरमेंट बेहतरीन हो सकती है और हमारा वही वाला बच्चा जो कि हेरेंग एड को रेगुलर इन्वायरमेंट में घर के माहौल में शोर शराबे में इस्तेमाल करने से गुरेज़ करता है वो ऐसे इन्वायरमेंट में उसको लगाना इंजॉय भी करेगा और एक और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो रिवर्ब्रेशन के लिहाज से है रिवर्बरेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर इकोइंग एटमोस्फेयर हो जहाँ पर इको ज्यादा होने के चांस हो इस कमरे में मौजूद कारपेट इस चीज़ की इंश्योर करता है कि नीचे वाला जो टफ फ्रश है वो हमारी आवाज़ को रिफ्लेक्ट होने से बचाए क्योंकि जितनी ज़्यादा आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी उतनी ज़्यादा गूंज या इको जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो ये इको को ख़त्म करने के लिए कारपेटिंग अगर कमरे की करवा दी जाए तो दिस अगेन इम्प्रूवज़ द अकूस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ द रूम डेयर स्टूडेंट्स मैंने अभी तक आपको चंद गुजारिशात पेश की अबाउट हाउ कैन वी गो अबाउट प्लेसिंग द स्टूडेंट्स इन अ hearing in a class for hearing impaired children. Remember I have explained a few uh, terms with you. For example, uh, the first term I used was about the placement of the children in the classroom. I discussed about the semicircular position of the clone. I discussed about who child should be placed in what position. A child with moderate hearing loss comes near the start of the crescent while the child with a profound hearing loss goes in the middle position or the center of the crescent.

दरवाजा नॉक करने से क्या होगा मेरी खराब होगी तो होता है क्या है कि एवरीबॉडी इन दिस ग्लास और मुझे पता चल जाता है सम बॉडी नीड्स माई अटेंशन मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ उसकी बात सुन लेता हूँ क्यों बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल एनवायरमेंट फॉर द चाइल्ड हिज और हर हेयरिंग यहां पर Uh, एक और चीज़ जो मैं uh, काबिल एक्सप्लेनेशन uh, समझता हूँ वो है कि टीचर की प्लेसमेंट जो कि बोर्ड पर होती है और बच्चा उसको किस तरीके से देख पाएगा डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसी क्लासरूम का फ्रंटल व्यू मैं इस वक्त इस क्लास रूम के फ्रंट पे खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे एक वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आजकल वाइट बोर्ड इन प्रैक्टिस है लेकिन फॉर अ हेयरिंग एम्पेयर चाइल्ड हमने इसका खसूस तौर पर इस्तेमाल किया जहन पर जोर डालिए इसका इस्तेमाल क्यों किया गया जी आपने सही सोचा अकूस्तिक एनवायरनमेंट्स के लिए अकूस्तिक क्यों इसलिए कि आपको याद होगा जब हम अपनी क्लास में बैठते थे हमारा टीचर कुछ लिख रहा होता था तो बोर्ड तो उसके नतीजे में एक विसल एक सीटी उसके स्क्रैच की आवाज़ आती थी जो कि बाजूक हमें भी बहुत अनप्लेजेंट लगती थी याद रखिए ये एक अकूस्टिक एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए एक कोशिश हो सकती है कि आप क्लासरूम में वाइट बोर्ड्स का इस्तेमाल किए क्योंकि उसका शोर शराबा बच्चे को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है तो इसके लिए सॉफ्ट टिप वाला मार्कर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कि अरेज़ करना भी आसान जिसके ऊपर लिखना भी आसान और कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करता यहाँ पर एक और जो चीज़ देखने और समझने की है वो है इसका व्यू अगर आप इसके व्यू गौर करें कि ये एक फ्लैट बोर्ड है जो कि जिसके सामने बच्चे क्रेसेंट फॉर्म में हैं तो हर बच्चे को एक डिफरेंट एंगल से ये बोर्ड नज़र आ रहा होता है और हर बच्चे के लिए तकरीबन ये बोर्ड एक्सेसिबल है लिहाजा क्लास की अरेंजमेंट के मुताबिक अपने इस बोर्ड को भी सेट कीजिए और ताकि जब टीचर लिख ले या अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस तो मेरा सारे का सारा बोर्ड जो है वो बच्चे के लिए खाली है और मैं एक साइड पर खड़ा हूँ और मेरा बच्चा इस बोर्ड से हेल्प आउट हो सकता है यहाँ पर कुछ और चीज़ों का सहारा हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पॉइंटर ये पॉइंटर इस्तेमाल किया जाता है इसको किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर कि मैं उसको बच्चे को यूं करके पढ़ाऊं और बाकी बच्चों की विजन यहां से खराब हो जाए आई यूज अ स्टिक दैट इज कॉल्ड अ पॉइंटर और पॉइंटर के जरिए भी बच्चे को पढ़वा सकता हूं एक और चीज जो आपको इस कमरे में नजर आ रही है वो है आपका वॉइस सिस्टम अगर आप इस पर गौर करें तो यू विल रियलाइज़ कि मेरी आवाज़ इस वक्त एक ऑब्जर्वेशन रूम में जा रही है और वो ऑब्जर्वेशन रूम में वहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स बैठे हुए मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं मेरी क्लास रूम में क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो ऑब्जर्वेशन रूम से देख सकते हैं और एग्जैक्टली exactly लर्न कर सकते हैं कि एक टीचर अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है ऑब्जर्वेशन रूम का कॉन्सेप्ट हमारे पास नया है लिहाजा हम सबको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से अगर हम ऑब्ज़र्व कंडीशन में लोगों को बताएं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते चले जाएं साथ ही कि इस कमरे में मौजूद है एक ग्लास एक मिरर मौजूद है ये मिरर इसलिए मौजूद है इस कमरे के अंदर बिकॉज मिरर की एफ़िकेसी बहुत बहुत ज़्यादा है मिरर का यूजेज बहुत ज़्यादा है इन स्पीच थेरेपी क्योंकि जब बच्चों को लफ्स सिखाए जाते हैं क्योंकि बच्चों को आवाज़ें प्रोड्यूस सिखाई करवाई जाती हैं तो बाज़ात